अल्लाह के नाम से, ये सूद है सूद सूद, और सूद हराम है हराम है हराम। अल्लाह दिया है जमीन है 2 लाख, अब 20,000 दे के और उसी की जमीन को बाप की जमीन समझते भरना वाले सब, उसी का सीना चाक करके धान उजा उजा करके लाते और खाते हैं। हाय हाय, मुसलमान को धोखा देना, मजबूरी का फायदा उठाना गना। अरे 2 लाख की जमीन है, 20,000 में आपने कब्जा कैसे कर लिया? गलत। अल्लाह दे तो जमीन खरीदिए, इस तरह किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइए। इस्लाम को जीने का सलीका बताता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी को तंग करता। आपने इस चीज को समझिए, आई आई करके नहीं नहीं, नया नया पैसा हुआ तो जमीन भरना लेकर के हीरो बनते हैं। तौबा कीजिए, ऐसा काम न कीजिए जो आप बर्बाद हो जाए और यहाँ समझे के हीरो साथ हीरो साथ, अब मरने के बाद हीरो साथ। काम हो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो, नामी रजा तुम भी करो। हीरो सब बिल्कुल जमा हुआ है, मुफ्ती साहब की ना माशाल्लाह, हजरत मजमा गया नहीं है कहीं ना, कहीं नहीं गया है। एक जमात उधर खड़ी है, एक जमात इधर, एक जमात इधर, एक जमात इधर, अब बीच में फरिश्तों की जमात। हाँ, जिन्नात सब भी आया है, सुन्नी जिन्नात सब आया हुआ, वो बगैर सलाम पढ़ नहीं जाएगा। जो पदा पीदा होगा वो तो खलास हो गया होगा, वही ना इस्तिंजा करवाने के बहाने बांधने के भाग जाता है। आप लोग भी कम थोड़े ही है, अल्लाह ताला फल फरमाए, अल्लाह ताला सभी के इस जलसे को कबूल फरमाए। अम्मा आप लोग भी भलाई चाहते हैं, एकदम ठीक ठाक से रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। देहात के रसोई कहते बाबू हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं तो हम क्या करें। अच्छा, अब बहू को सिखाएगी रोटी ऐसे पकाओ, सालन ऐसे पकाओ, अगर सालन में खराबी हो तो सास चिल्लाती है। रोटी पकाने का ढंग मालूम है, वजू का मसला नहीं, कितनी शर्म की बात है। कौन बताएगा? आप ले जाके बताइएगा, अपने अपनी बीवी को समझा दीजिए। वो जो बोल रहे हैं बाबू हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या होगा? अच्छा क्या होगा, ये बहाना नहीं चलेगा, इतनी धुलाई होगी। सरकारी शास्त्र फरमाते हैं जहन्नम है औरतों की तादाद ज्यादा, जहन्नम में औरतें ज्यादा है। अब हर मुसलमान औरत को सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम कर रहे कि जहन्नम से बच जाए, और सैयदा फातिमा जहरा के चादर तत्हीर के सदके में हमें जन्नत में जगह मिल जाए। हर औरत की जिम्मेदारी है, हम क्या बताएं, जिंदगी का मकसद भुला गई है। अगर आपको यकीन हो एक हदीस से पाक सुनाऊंगा, मेरा टाइम होने वाला है, हो चुका है, सिर्फ 16 मिनट मेरे नहीं है, 14 मिनट मेरे घड़ी के हिसाब से बाकी है, 14 मिनट, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ उम्मीद रखे, गुनाह से बचिएगा, बचेगा इंशाल्लाह। और ये काम अगर आप लोग कर लीजिएगा तो हमको तो खबर होगी नहीं, अल्लाह खुश, नबी खुश, सरकार बाबू हुजूर किला खुश, कमेटी का आदमी नमाजी हो गया, मोहल्ले में माहौल होगा। कमेटी वाला सब नमाजी हो गया, कमेटी वाला नमाजी हो गया, कितना अच्छा मैसेज पहुँचेगा। हम जलसा करवा करके अगर हम खुद मस्जिद के नमाजी न बन सके तो दुनिया क्या कहेगी? और अगर हमने अपने आप पे जुल्म करना छोड़ दिया और नमाजी बन गए, लोग के लिए आप आइडियल बन जाएंगे और आप अपने नस्लों को भी संवारने का जरिया बन जाएंगे। अल्लाह भी खुश, नबी भी खुश, सरकार बाबू हुजूर की लाभ इंशाल्लाह। उम्मीद रखता हुआ